इंडिया उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर की गई कूड़ा वाहन हड़ताल के मद्देनजर आज माननीय पालिका अध्यक्ष महोदय श्रीमती अंजू अग्रवाल जी की अध्यक्षता में पालिका प्रशासन एवं संघ के मध्य समझौता वार्ता संपन्न हुई। लगभग 2 घंटे वार्ता उपरांत सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी कूड़ा वाहन हड़ताल को वापस ले लिया गया तथा यह वादा किया गया कि वह अभी से सफाई कार्य करते हुए कल जन्माष्टमी का त्योहार पर नगर में उत्कृष्ट सफाई करेंगे। वार्ता में मुख्य रूप से सफाई कर्मचारियों का 10 व 16 तथा 26 वर्ष की संतोषजनक सेवाओं पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ उनके एरिया का भुगतान का निर्णय लिया गया। इसके अलावा नगर की बढ़ती आबादी तथा सफाई व्यवस्था में सुधार लाने हेतु 68 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों का ठेका बोर्ड स्वीकृति की प्रत्याशा में ठेका छोड़ा जाएगा। साथ ही 32 आउटसोर्सिंग कर्मियों को बढ़ाए जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। सफाई उपकरणों की सफाई नायकों से डिमांड लेकर खरीदारी की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संघ को उनकी 200 रेय दिलवाए जाने के संबंध में कहा गया कि 50 रेडों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रक्रिया बोर्ड फंड से हो रही है तथा 150 रेय स्वीकृति की प्रक्रिया में है। श्री अमित कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय द्वारा संघ पदाधिकारियों से कहा गया कि वह आकस्मिक रूप से वार्डों में सफाई नायक तथा सफाई कर्मियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण करेंगे तथा सफाई नायक 1 सितंबर से उपस्थित सफाई कर्मियों की उपस्थिति को प्रमाणित करेंगे। पर्यवेक्षण में ऐसा ना पाए जाने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही सफाई कर्मी नियमित रूप से समय पर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होकर कार्य करेंगे। इसके अलावा वार्ड में सफाई नायक के साथ साथ पालिका के लिपिक सफाई कर्मियों की उपस्थिति एवं कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे। LADM प्रशासन महोदय के द्वारा यह भी कहा गया कि कार्यरत आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों के द्वारा कार्य पर अनुपस्थित रहने पर उन्हें सेवा से पृथक किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि मैंने अपने कार्यकाल में समस्त कर्मचारियों के अवशेष बकाया 9,57,00,000 रुपए की धनराशि का उन्हें भुगतान किया है तथा आज जो भी कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है तो उसके समस्त देयकों का भुगतान नियम अनुसार तत्काल कर दिया जाता है। समस्त बिंदुओं पर संघ एवं पालिका प्रशासन द्वारा सहमति होने पर संघ द्वारा कूड़ा वाहन हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा की गई तथा चेयरमैन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बैठक में श्रीमती अंजू अग्रवाल जी माननीय पालिका अध्यक्ष महोदय के अलावा मुख्य रूप से श्री अमित कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी प्रशासन, श्री हेमराज सिंह अधिशासी अधिकारी, डॉक्टर अतुल कुमार नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री चमन लाल, महामंत्री श्री अरविंद उर्फ सोनू मचल, श्री सूरज प्रकाश, श्री जितेंद्र कुमार, श्री सुधीर कुमार सफाई नायक, श्री गगन महिंद्रा, श्री विवेक कुमार, श्री मोहन कुमार, श्री नितिन कुमार लिपिक एवं स्टेनो अध्यक्ष गोपाल त्यागी व इसके बिट्टू मौजूद रहे। किस तरह का निर्णय निकला है मीटिंग में, क्या? देखिए, हमारे संघ के नेता, अध्यक्ष, महामंत्री सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है मीटिंग हमारे पास हुई है। ADM साहब मौजूद थे, जो भी उनकी आवश्यकताएं थी वो हम सब कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। उनके साथ हैं हमारे कर्मी, हैं हमारे हाथ हैं। और जो कर्मचारी रखने की बात हुई थी तो 68 हमने बोल दिया है रखे जाएंगे, 32 बोर्ड में विचार किया जाएगा और सब जो उनकी डिमांड है रेहड़े हैं रेहड़े दिए जाएंगे। जो भी उनको चाहिए उपकरण वो लिए जाएंगे, क्योंकि कर्मी हैं हमारे, सफाई कर्मचारी इतनी मुश्तैदी से काम करते हैं तो उनकी जो भी डिमांड्स हैं, उपकरण हैं या रेहड़े हैं, सब कुछ लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, धरने पे भी बैठ करके हो सकता है कुछ सोच रहे हो, क्योंकि मैं थी नहीं 2 दिन से यहाँ पर, तो हो सकता है इस तरह से कुछ पीछे रहा हो। ADM साहब से भी वार्ता हुई थी लेकिन आज सब सुलह हो गई है।